मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा जो विषय है हिंदी भाषा शिक्षण और हम जो प्रकरण करने वाले हैं मातृभाषा अन्य भाषा जिसको द्वितीय भाषा कहते हैं राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी तो आज हम देखेंगे कि मातृभाषा के रूप में अन्य भाषा के रूप में राजभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को हम जानेंगे तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाषा जिसको मातृभाषा कहते हैं मातृभाषा के रूप में हिंदी तो भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है जैसे आप सबको पता है और जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं कि हम जो पहली जो हमारी जो सबसे पहली भाषा होती है जिसको हम सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है जिस भाषा में अपने परिवार के सदस्यों से हम बात करते हैं जो प्रथम भाषा हम सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है कि किसी भी व्यक्ति की जैसे कोई तमिल नाडू से है तो हम उसको कहते हैं तमिल है और इसी तरह से कोई कर्नाटका से होता है तो कहते हैं कन्नड़ है आ, कोई आ, केरल से होता है तो केरला वाला इसको हम मलयाली कहते हैं तो इसी तरह पंजाब से होता है पंजाबी तो मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की अपनी सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है मातृभाषा सीखने समझने एवं ज्ञान प्राप्ति में बिल्कुल सरल है क्योंकि मातृभाषा को सीखने के लिए किसी भी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती हम जब पैदा होते हैं तो हम स्वभाव के साथ हम उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो हम अपने आ, परिवार के साथ जब हम संपर्क साधते हैं जब विचार विमर्श करते हैं अपने आ, हम समाज में जाते हैं तो मातृभाषा सीखने समझने के लिए एवं ज्ञान प्राप्ति में बिल्कुल सरल है क्योंकि इसके लिए किसी विशेषज्ञ या किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती हम स्वाभाविक रूप से इसको जब हम पैदा होते हैं तब से हम खुद स्वयं से इसको सीखने लगते हैं दूसरों को देख कर सुनकर किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है जैसे अगर हम जापान की बात करें तो जापानी भाषा से जापान आ, फ्रांस फ्रेंच जर्मन जर्मनी आ, इसी तरह से हम बात करते हैं भा, भारतीय की या इसको हिंदू हिंदू हिंदु, हिंदु, हिंदी हिंदुस्तानी तो इस तरह से कि हमारी भी पहचान हमारी भाषा से है तो किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है भारत में करोड़ों लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी प्रथम भाषा के रूप में करते हैं तो भारत में अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं हिंदी को लिखते हैं और हिंदी को समझ सकते हैं तो हिंदी को पढ़ने लिखने वालों की संख्या तकरीबन 50 करोड़ के आसपास है और Uh, अगर हम 130 करोड़ की आबादी में अगर हम देखते हैं तो आधी से हमारी अगर हम बात करें 60-70 परसेंट से ज्यादा हमारी आबादी ऐसी है जो हिंदी बोल सकती है जो uh, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं अगर हम साउथ uh, दक्षिण भारत की बात करें uh, उत्तर पूर्व की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदी uh, जो है uh, संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है वो तो एक हिंदी ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम भारत के कहीं पे भी किसी भी कोने में जाकर हम वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं क्योंकि हिंदी भाषी लोग बेशक से हिंदी को पढ़ नहीं सकते लेकिन हिंदी को बोलने में वो हिंदी को अः बोलते हैं तो भारत में करोड़ों लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी प्रथम भाषा के रूप में करते हैं हिंदी का व्याकरण बहुत ही समृद्ध है तथा नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है चौदह सितंबर पूरे भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आप सबको पता है चौदह सितंबर उन्नीस को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था तो तब से लेकर प्रत्येक वर्ष चौदह सितंबर का दिन जो है पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अलग अलग संस्थान में हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो यह बताता है कि भारत की भाषा कितनी समृद्ध है और यह भारत को एक सूत्र में बांधे रखने का माध्यम भी है तो so, हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो ये बताता है कि भारत की भाषा कितनी समृद्ध है और यह भारत को एक सूत्र में बांधे रखने का माध्यम भी है क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की पहचान की बात करते हैं तो हमारी पहचान हमारी भाषा है हिंदी है और एक हिंदी ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम भारत में रहने वाले किसी भी कोने में रहने वाले दूर अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों से संपर्क हम साध सकते हैं तो इसलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत को एकता के सूत्र में बांधती है अब इसके बाद हम बात करते हैं अन्य भाषा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी तो इसका मतलब है कि भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ की मातृभाषा हिंदी को छोड़कर अलग अलग मातृभाषाएँ हैं जैसे पंजाब गुजरात तमिलनाडु केरल गोवा इस तरह के अलग अलग जो उड़ीसा बंगाल तो इस तरह के अलग राज्य हैं जहाँ पे हिंदी को छोड़कर अन्य भाषा वहाँ की मातृभाषा है तो उन राज्यों में हिंदी दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है तो अब हम देखेंगे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में अगर हिंदी सिखाई जा रही है तो क्या उद्देश्य हैं तो कोई भी भाषा मातृभाषा जो है हम जब बचपन से हम सीखते हैं और दूसरी और तीसरी भाषा का, का काम क्या होता है कि उनको सिखाने का उद्देश्य बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो उस भाषा को बोल सकें लिख सकें पढ़ सके और कोई दूसरा उनको उनसे उस भाषा में बात करे तो उसको समझ कर उत्तर दे सके तो अन्य भाषा द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण तो अन्य भाषा मूलतः द्वितीय या तृतीय भाषा होती है इसका अर्जन बालक अन्य व्यक्तियों अध्यापक पुस्तक समाज आदि की सहायता से करता है जैसे आप सबको पता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और इसके अलावा जब हम मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा इंग्लिश की हम बात करते हैं संस्कृत की बात करते हैं उर्दू की बात करते हैं तो इन भाषाओं को जब हम सीखने की कोशिश करते हैं विद्यालय में जाकर तो इन भाषाओं को सीखने के लिए हमें अन्य व्यक्तियों ट्यूटर्स की जरूरत पड़ती है अध्यापक पुस्तक समाज के ऐसे लोग जिनको भाषा आती है तो उनकी सहायता से हम दूसरी या तीसरी भाषा सीखते हैं अन्य भाषा मातृभाषा के आधार पर ही सीखी जाती है आपकी मातृभाषा जो भी है हिंदी है बांग्ला है कोई भी मातृभाषा है तो जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसका आधार ही आपकी मातृभाषा है बिना आप अपनी मातृभाषा के ज्ञान के दूसरी भाषा नहीं सीख सकते तो इसलिए आपने ये देखा होगा कि जब आपको आपकी मातृभाषा जब आपको, आपको दूसरी या तीसरी भाषा सिखाई जाती है तो सबसे पहले उसका अर्थ आपकी मातृभाषा में समझाया जाता है उसके बाद फिर आप उस भाषा को बोलने का प्रयास करते हो तो अन्य भाषा मातृभाषा के आधार पर ही सीखी जा सकती है अन्य भाषा बालक रुचि पूर्वक नहीं सीखता बल्कि ये उस पर थोपी जाती है ये आपकी मातृभाषा के अलावा जो और अन्य भाषाएं जो होती हैं, आपने देखा होगा विद्यालय में वो आप पर थोपी जाती है आप उसको लेना नहीं चाहते लेकिन समाज के समाज विद्यालय एक तरह से वो आप पर थोपी जाती हैं तो आपको जबरदस्ती सीखना पड़ता है वरना हम जब कुछ नई भाषा जो होती है अक्सर हम देखते हैं कि हम दसवीं बारहवीं जब हम पास करते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो ये वो स्वेच्छा से होता है लेकिन यहाँ पे हम विद्यालय में देखते हैं तो बच्चा अपनी मातृभाषा जो है उसके अलावा जब वो विद्यालय में जाता है तो उसको दूसरी भाषा जबरदस्ती उस पर थोपी जाती है मातृभाषा की तुलना में बालक की अन्य भाषा में इतनी दक्षता नहीं होती दक्षता का मतलब है कि बालक अपनी में जितना जितना कुशल होता है है कुशलता से बोलता है, समझता है लिखता है उतना ज्यादा कुशल वो अन्य भाषा में नहीं होता तो जैसे अगर हिंदी भाषी है तो आप अपनी भाषा में हिंदी भाषा में जितने अच्छे से बोल सकते हैं अपने विचारों को लिख सकते हैं अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं उतनी आप अच्छी तरह से अगर हम अन्य भाषा इंग्लिश है फ्रेंच है जापानी उतनी उन भाषाओं में आप उतनी अच्छी तरीके से अपने भावों को नहीं व्यक्त कर सकते यह एक प्रयोजन की दूसरी या तीसरी जो भाषा है एक प्रयोजन व्यापार नौकरी शिक्षा सम्मान आदि के उद्देश्य से सीखी जाती है फिर हम बात करते हैं अन्य भाषा हिंदी की जो हम बात कर रहे हैं कि अपनी मातृभाषा सीख कर ही व्यक्ति अन्य भाषा सीखता है जैसे हमने बात की इसको बिना अभ्यास के सीख पाना संभव नहीं है कि दूसरी या तीसरी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है और जो हमारी मातृभाषा प्रथम भाषा होती है उसको हम अपने स्वाभाविक रूप से सीखते हैं भावों की अभिव्यक्ति इसमें बहुत कम होती है हमारी जो अपनी भावों की अभिव्यक्ति है वो हमारी अक्सर मातृभाषा में होती है और क्योंकि हम अपने भावों को मातृभाषा में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रकट कर सकते हैं जो हम अन्य भाषा में नहीं कर सकते तो भावों की अभिव्यक्ति इसमें बहुत कम होती है और अन्य भाषा में बालकों की सृजनात्मक शक्ति के विकास की संभावना कम होती है आप सृजनात्मक शक्ति का अगर भाषा की बात करें तो जितने जैसे मैंने बोला कि जितने अच्छे से आप अपनी मातृभाषा में चीज़ों को लिख सकते हो बोल सकते हो कविता कहानियाँ जितने अच्छे तरीके से आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हो व्यक्त कर सकते हो उतनी कुशलता से अन्य भाषा में बेशक से अन्य भाषा आपको आती है लेकिन उतनी कुशलता और इतने अच्छे से अन्य भाषा में लिखना जो होता है पूर्णतः संभव नहीं हो पाता इसमें बालक बालक की निपुणता कम होती है कि द्वितीय मातृभाषा की तुलना में मातृभाषा या प्रथम भाषा की तुलना में द्वितीय तृतीय भाषा में बालक की निपुणता कम होती है इसमें अपनेपन का अभाव होता है अपने अपनेपन का अभाव भाव उसी में होता है जो अपनी भाषा होती है और अपनी भाषा के अलावा जो दूसरी तीसरी अन्य भाषाएं होती हैं उसमें अपनेपन का अभाव होता है तो उसमें अपनेपन का इतना भाव नहीं होता है इसलिए अपनेपन का अभाव होता है अपनेपन का भाव सिर्फ अपनी भाषा में होता है जो अपनी प्रथम भाषा है अपनी मातृभाषा है फिर हम राजभाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं राजभाषा मतलब जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है जो प्रशासनिक भाषा होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं तो हिंदी भारत में नौ राज्यों की राजभाषा है राज्य या प्रशासन की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं जिसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं इन्वेस्को को, इन्वेस्को के के विशेषज्ञों अनुसार उस भाषा को राज्य भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क में काम आती हो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर उन्नीस को स्वीकार स्वीकार किया गया और इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए चौदह सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है धारा तीन सौ तैतालीस वन एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी देवनागरी संसद का कार्य अगर हम हमारी संसद की बात करते हैं तो इसका कार्य हिंदी या इंग्लिश में किया जा सकता है और हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हिंदी का जो अगर हम क्षेत्र बोले तो सिर्फ भारत तक ही नहीं ये हिंदी दुनिया भर के देशों में समझी जाती है बोली जाती है और 40 से ज़्यादा दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई भी जाती है एक विषय के रूप में गूगल के अनुसार अब इंटरनेट पर हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है कि हम पहले की तुलना में आप देखें तो हमें हिंदी में इंटरनेट पर ज्यादा सामग्री हमें उपलब्ध होने लगी है पिछले कुछ दशकों से हिंदी के वेब पोर्टल भी अस्तित्व में आए हैं तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी है जो अब रफ्तार पकड़ चुकी है हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं हम जो हम देखते हैं कि हमारे विभिन्न बड़े बड़े जो शैक्षिक संस्थान हैं जो सरकारी ऑफिस हैं कार्यालय हैं उनमें हम देखते हैं कि सबके अपने हम वेब पोर्टल देखते हैं और हिंदी में भी ज्यादा से ज्यादा जारस जानकारी जो इंटरनेट पे उपलब्ध कराई जा रही है हम आ, चाहे हम जो सोशल मीडिया जो है फेसबुक देखें हम चाहे आ, इंस्टाग्राम देखते हैं हम ट्विटर देखते हैं तो अलग अलग हम इस तरह के सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो इसपे भी हिंदी एक भाषा के रूप में प्रयोग में की जा रही है तो हिंदी के जो वेब पोर्टल अस्तित्व में आने लगे हैं और हिंदी इंटरनेट पर भी हिंदी अपनी छाप छोड़ने लगी है हिंदी उन सात भारतीय भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग अब यू आर एल बनाने के लिए किया जाता है हम लिंक की बात कर रहे हैं कि हिंदी के भी यू आर एल आप देखोगे तो अब यू आर एल बनाने में हिंदी का भी उपयोग किया जाता है फिर हम संपर्क भाषा की बात करते हैं तो संपर्क भाषा एक ऐसी ऐसी भाषा जिसके माध्यम से आप अन्य लोगों से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों से तो संपर्क स्थापित कर सकते हैं तो उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएँ अलग हों जैसे अगर हम आप सब दिल्ली में रहते हैं तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में दिल्ली की अपनी कोई आ, हम एक कल्चर नहीं है यहाँ पे भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आके रहते हैं पंजाब से आते हैं गुजरात से आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं दक्षिण भारत से आते हैं तो जब हम उनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं तो संपर्क स्थापित करने की जो हम ज़्यादातर देखते हैं जो एक भाषा है और उसको हम हिंदी है हम ज्यादातर जो अपनी विचार व्यक्त करते हैं एक दूसरे से अलग जिनकी अलग मातृभाषाएं हैं उन लोगों से जब हम बात करते हैं तो जो मुख्य जो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो हिंदी है तो संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में समान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग होती हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हो जैसे आप किसी पश्चिम बंगाल से आए लोगों से पश्चिम बंगाल में लोगों की जो मुख्य भाषा है वो बंगला है दिल्ली में यहाँ पे है आप देखोगे ज्यादातर हिंदी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है और उसमें भी देखेंगे हिंदी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो कोई बांग्लादेश से आ रहा है कोई तमिलनाडु से आ रहा है तो उनसे आप संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी भाषा ही का ही प्रयोग करेंगे अर्थात भिन्न भिन्न भाषा भाषी भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है अपने राष्ट्र स्वरूप में ही हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भारत में भाषा है जिसके माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में जाकर वहाँ के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ के लोग आपसे भी संपर्क कर सकते हैं अपने सीमित रूप में प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी के व्यवहार में भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेक्षण का माध्यम बनी हुई है तो अलग अलग जिनकी मातृभाषाएं भी भारत में अलग हैं उनके साथ भी अगर हम देखें तो हिंदी एक संप्रेक्षण का माध्यम बनी हुई है सभी के बीच में संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझे जाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी है वही सरकार की राजभाषा भी है तथा देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी हिंदी करती है आपने जो आपने सुना होगा कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा कि हिंदी ही हमारी पहचान है और हिंदी जो है हमें एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं हिंदी के माध्यम से ही जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं तो इस तरह अपने तीनों रूपों राष्ट्रीय भाषा राजभाषा और संपर्क भाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है राष्ट्रीय भाषा संपूर्ण राष्ट्र में स्वीकृत भाषा होती है जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा घोषित की जाती है तथा संपर्क भाषा का विकास प्राकृतिक और स्वैच्छिक आधार पर होता है जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संपर्क भाषा ही सर्वकृत होकर राष्ट्रीय भाषा बनती है समृद्ध देशों की देखते हैं कि राष्ट्रभाषा राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा प्रयोग लाई जाती है जैसे जापान की जापानी अमेरिका इंग्लैंड इंग्लिश इंग्लैंड इंग्लिश फ्रांस की फ्रेंच जर्मनी की जर्मन रूस की जो वहाँ की भाषा है तो आदि देश और इस दृष्टि से भारत भी समृद्ध देश है जहाँ हिंदी अपने तीनों रूप में प्रयुक्त होती है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग लाई जाती है तो विश्व के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो रहा है तो आज की इस कक्षा में हमने देखा कि प्रथम भाषा के रूप में हमने हिंदी के बारे में पढ़ा द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में पढ़ा हमने राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ा और संपर्क भाषा के रूप में राजभाषा के रूप में हमने हिंदी के बारे में पढ़ा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद